Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? So guys, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं अजय देवगन को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स वी हैव हैड इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, अजय देवगन, हु इज राइडिंग सुपर हाई ऑन द ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑफ दृश्यम 2 एंड शैतान. आशा करते हैं भैया आपका जन्मदिन बहुत अच्छे से बीते. बात करते हैं मैदान के ट्रेलर 2 के बारे में. मुझे आज भी याद है जब तानाजी द अनसंग वॉरियर का ट्रेलर नंबर 2 आया था, तो गाइस उसने पब्लिक में एक ऐसा पागलपन क्रिएट कर दिया था कि बस ये ट्रेलर देखने के बाद पब्लिक में सबर रहा नहीं था. एंड जब वो फिल्म आई, वो फिल्म ने बाप लेवल का बिजनेस किया. ट्रेलर नंबर 2 जो रहता है अजय देवगन की खासियत है, एंड हमेशा ट्रेलर नंबर 2 उन्होंने बहुत ही क्रेजी लेवल पर लेकर आया जो कि एक्साइटमेंट बढ़ा देता है. भोला के साथ उल्टा हुआ था. भोला का टीजर अच्छा था, लेकिन ट्रेलर ने एक्साइटमेंट पे पूरा का पूरा पानी फेर दिया था. एंड मैदान का जो ट्रेलर नंबर 2 है, जो उम्मीद की जा रही थी कि जो फुटबॉल एलिमेंट्स है, जो एक्साइटमेंट है, जो थ्रिल है, वो ज्यादा फोकस करेगा, वो ये ट्रेलर जो है यहाँ करते हुए दिखाई नहीं दे रहा. मैंने आपको पहले ही कहा था जो जॉनर है यहाँ पर, ये फुटबॉल ड्रामा, पहली बात तो इंडिया में फुटबॉल फिल्म्स जो है उसकी चलने की जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है वो एकदम लो है, क्योंकि क्रिकेट इज आइडियली वर्शिप्ड ओवर हियर. एंड इसमें एक डायलॉग है कि मैदान में जाना, क्राउड से कोई उम्मीद मत रखना, कान बंद करके खेलना. आई थिंक हार्दिक पांड्या के लिए यह संदेश काफी अच्छा बैठता है यहाँ पर, तो वो डायलॉग काफी अच्छा लगा मुझे गाइज यहाँ पर. लेकिन ऑल इन ऑल गाइज ट्रेलर 2 में कुछ भी नया नहीं है जो हमने पहले ट्रेलर में देखा था. पूरी की पूरी फिल्म एक कहते हैं ना एक पैटर्न फॉलो करती है. एक कोच रहता है यहाँ पर, वो टीम जुटाएगा, टीम किस तरह से जोड़ेगी, उसमें एक विलन रहेगा, वो रास्ते में बाधा डालेगा इनके टीम वालों के लिए, एंड किस तरह से एंड में ये लोग कब जीत जाएंगे. तो काफ़ी लीनियर स्टोरी है, काफ़ी प्रेडिक्टेबल स्टोरी है इस पूरे की पूरी फिल्म की. एंड ट्रेलर वापस से पूरी स्टोरी फर्स्ट सीन से जब प्रिया मणि को मिलता है, उसके बाद टीम बटोरता है, वही झोपड़पट्टी के बच्चे उठा लिया तुमने जाकर, तो बहुत सारे सीन्स फर्स्ट ट्रेलर से ही सिमिलर. और गाइज इन लोगों ने सब कुछ सही करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का एक्साइटमेंट एक ट्रेलर जो है जनरेट करता है, वो अनफॉर्चुनेटली जनरेट कर नहीं पाता. अजय देवगन अच्छे लग रहे हैं कुछ सीन्स में, कुछ सीन्स में ही कैन बी सीन स्लीप वॉकिंग लाइक ट्रेलर नंबर 1. एक्सेसिव स्मोकिंग दिखाई गई है फॉर अ फुटबॉल कोच. मुझे पता नहीं ओरिजिनलिटी में जिनपे फिल्म है वो इतना सिगरेट पीते थे या नहीं पीते थे, तो वो एक फुटबॉल कोच के लिए काफी एक एडिड डिसएडवांटेज जो दिखाई दे रहा है. टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने देखा बहुत सारी फिल्म जैसे चक दे है, हर एक फुटबॉलर, हर एक जो हॉकी प्लेयर है वो याद है हम लोगों को. लगान, जितने लोग ने क्रिकेट मैच खेले तो सारे के सारे कैरेक्टर्स याद है. यहां पर किसी भी फुटबॉलर के ऊपर एम्फसिस ट्रेलर देता ही नहीं. और गाइस ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड है, यानी कि पूरी फिल्म वापस से बयां करता है, ज़रा भी एक्साइटमेंट जो है उस तरह का डेवलप नहीं करता. VFX अच्छा लग रहा है गाइस, यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी अच्छी लग रही है, लेकिन ऑल इन ऑल गाइस मैदान 2 का ट्रेलर जो एक्साइटमेंट जनरेट करना था ऑडियंस में, उसका काम नहीं करता. काफ़ी बोरिंग लग रहा है, काफ़ी डन टू दैट सब्जेक्ट है गाइस यहाँ पर. अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल फिल्म्स डू नॉट हैव मच टेकर्स इन इंडिया राइट नाउ. लेट्स सी गाइस ये फिल्म किस तरह चलती है. ईद के दिन पीपल वॉन्ट टू वॉच दैट एक्साइटमेंट. यहाँ पर वो निराश कोच, उसको यहाँ पे कुछ सही नहीं हो रहा है, टीम को वो कर रहा है. इन शॉर्ट गोल्ड में हमने सब चीजें जो है बहुत ही एक्सटेंसिवली देख ली है. किस तरह इंडियन टीम पर प्रोटेस्ट किया गया था, किस तरह तपन दास यहाँ पर सबसे झगड़ के टीम बनाता है और टीम जीतते, सबको मालूम है स्टार्ट क्या है एंड क्या है इस पिक्चर का. तो ऐसी फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस सर्वाइव करना बहुत ही कठिन हो जाता है. ट्रेलर 2 का काम था कि एक्साइटमेंट जनरेट करना, जो कि अनफॉर्चुनेटली जनरेट नहीं करता. वही सेम सीन्स रिपीट किए गए यहाँ पर, वही डायलॉग्स, यू नो अजय देवगन बैठा हुआ है, सिगरेट पी रहा है, टीम जमा कर रहा है, दो तीन फुटबॉल सीन है. गाने सबसे इंपॉर्टेंट थे, उनका एक भी गाना जो है नहीं चला है. AR रहमान इज डिसअपॉइंटेड विद द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म. ऑल इन ऑल गाइस मैदान 2 ट्रेलर इज एन एवरेज अफेयर. आई गिव द ट्रेलर जस्ट 2 out of 5 stars. लेट्स सी गाइस फिल्म कितनी की ओपनिंग लगती है, कितना लंबे चलती है, ये तो जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा. फिलहाल ट्रेलर लेवल पर मुझे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही है, ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं है, ज़बरदस्ती इसकी तारीफ कर नहीं सकता. स्टे कूल मैन.